आपको ये बताते हैं कि कैसे हमास ने अपने प्रचार तंत्र के जरिए पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया कि 17 अक्टूबर को गाजा सिटी के अस्पताल पर हुआ हमला असल में इजराइल ने ही करवाया था, और दुनिया के ज्यादातर लोगों ने भी बिना सबूतों के ही इस हमले के लिए इजराइल को दोषी मान लिया, और अब दुनिया की नजर में इजराइल पीड़ित नहीं है बल्कि पीड़ित है गाजा, पीड़ित है हमास। और यह स्थिति भी तब है जब इस घटना को 72 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन हमास ने अब तक ऐसा कोई सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि इस हमले के पीछे इजराइल था। तो सबूत पेश करने की भी सारी जिम्मेदारी दुनिया ने इजराइल के ऊपर डाल दी है कि आप यह साबित कीजिए कि आप बेकसूर हैं, आप साबित कीजिए कि यह हमला आपने नहीं किया, लेकिन हमास से कोई सबूत नहीं मांग रहा। हमास से कोई यह नहीं कह रहा कि अगर आपने यह हमला नहीं किया है तो आप साबित करिए, सबूत दिखाइए, या फिर अगर आप यह दावा करते हैं कि यह हमला इजराइल ने किया है तो उसके सबूत कहां है। वो सबूत दिखाने से पहले आपको यह जरूर बताना चाहेंगे हम कि यह जो हमला है यह असल में इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस 2 हफ्ते पुराने युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, और इस हमले के बाद से इस पूरे युद्ध को लेकर दुनिया में जो माहौल है वो बदल गया है, और धीरे धीरे जो सहानुभूति पिछले हफ्ते तक इजराइल के लिए थी अब वो सहानुभूति गायब हो गई है, और अब दुनिया के बहुत सारे देश और बहुत सारे लोग इजराइल के खिलाफ हो गए हैं, और ये मन ही मन ये मान चुके हैं कि इजराइल ने ही ये हमला किया अस्पताल पर और बेकसूर 500 लोगों की जान ले ली। लेकिन आज हम आपको वो सबूत और वो सारे तथ्य दिखाएंगे जिनसे यह पता चलता है कि इस हमले के पीछे इजराइल नहीं बल्कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम के संगठन के आतंकवादी थे। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब इजराइल की मिसाइल से कहीं पर हमला होता है तो उस जगह पर 7 से 19 मीटर चौड़ा गड्ढा हो जाता है, क्योंकि उस मिसाइल का जो इंपैक्ट है वो जबरदस्त होता है, जबकि गाजा के अस्पताल में जो गड्ढा हुआ वो बहुत ही छोटा गड्ढा था, और ये मिसाइल हमले से हुआ गड्ढा कहीं से भी नजर नहीं आता। ये गड्ढा और ये धमाका वैसा है जैसा रॉकेट के विस्फोट होने पर होता है, और वो भी किसी बहुत ही हल्के और घटिया किस्म के रॉकेट से जो विस्फोट होता है ये वैसे विस्फोट के निशान है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर एक साथ 5,000 रॉकेट दागे थे तब दक्षिणी इसराइल के शहरों में इमारतों को ठीक वैसा ही नुकसान हुआ था जैसा गाजा के इस हमले में वहां के अस्पताल को हुआ है। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह हमला मिसाइल से नहीं बल्कि रॉकेट से हुआ है, और यह रॉकेट आतंकवादियों का एक लोकल रॉकेट था। तो इससे पहले कि मैं आपको तीसरा सबूत बताऊं, ये दूसरे सबूत के बारे में थोड़ा और आपको बताना चाहता हूं, और इसे आप ऐसे समझिए कि जब हमास के आतंकवादियों ने 5,000 मिसाइल से हमला किया, 5,000 रॉकेट से हमला किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की एक भी बिल्डिंग इस तरह से ध्वस्त नहीं हुई जैसा कि आप गाजा में ध्वस्त हुई बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, बल्कि वहां पर छोटा मोटा नुकसान हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो रॉकेट आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े हल्के किस्म के रॉकेट हैं, वो लोकली मेड रॉकेट है, और वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते, वो किसी बड़ी बिल्डिंग को पूरी तरह से नष्ट करने की शक्ति नहीं रखते। इसीलिए आपको 5,000 रॉकेट्स के फायर होने के बाद भी इजराइल में ऐसी तबाही की तस्वीर एक भी आपको नहीं दिखाई देगी, इससे आप समझिए। और जो हल्की तबाही होती है जो आतंकवादियों के रॉकेट से, वैसी ही तबाही आपको उस अस्पताल में दिखाई देगी जिससे यह साबित होता है कि यह इजराइल की मिसाइल नहीं बल्कि आतंकवादियों की ही अपनी मिसाइल थी, और उसने ठीक उतना ही नुकसान पहुंचाया, उतना ही छोटा हल्का गड्ढा किया जितना उनके रॉकेट कर पाते। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धमाके में इतने लोग इसलिए मारे गए क्योंकि आतंकवादियों का जो रॉकेट मिसफायर होकर इस अस्पताल में गिरा वहां सैकड़ों लोगों ने पहले से ही शरण ली हुई थी, और इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर मारे गए। गाजा की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक घटना के वक्त वहां 1,000 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस अस्पताल में शरण ली हुई थी, और ये लोग अस्पताल के अंदर नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर कंपाउंड एरिया में और पार्किंग में खड़े हुए थे, और क्योंकि विस्फोट भी ठीक इसी जगह पर हुआ इसलिए इतने सारे लोगों की जान एक ही बार में चली गई।
एक और बड़ा तथ्य यह है कि जिस समय इस अस्पताल में विस्फोट हुआ उसी दौरान इस अस्पताल से कुछ दूर हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट से कई रॉकेट दागे गए थे। इसलिए हो सकता है कि इन्हीं में से एक रॉकेट मिसफायर होकर इस अस्पताल पर गिरा हो और वहां इस वजह से 500 लोग मारे गए हों। जो उनका रॉकेट लॉन्च साइट है वो भी आज हम आपको नक्शे में दिखा रहे हैं और वो इस अस्पताल के बहुत ही करीब है। अगर ये हमला इसराइल ने किया होता तो इस अस्पताल का हश्र आज कुछ ऐसा होता। देखिए, 10 अक्टूबर को इसराइल ने गाजा के मशहूर वेंटन टावर पर एक मिसाइल गिराई थी। इस हमले से पहले यह टावर कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन इस हमले के बाद यह टावर गाजा के नक्शे से ही गायब हो गया है। अब इन दोनों में भी आप ये सैटेलाइट तस्वीरें आप देख लीजिए। जबकि गाजा सिटी की घटना में अस्पताल की जो बिल्डिंग है अब भी वहीं पर मौजूद है और उसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इसलिए बड़ा पॉइंट यह है कि अगर यह इसराइल की मिसाइल होती तो यह अस्पताल अब तक मिट्टी में मिल चुका होता। इन सबूतों से ऐसा लगता है कि यह हमला इसराइल ने नहीं किया था, लेकिन सोचिए इससे फर्क क्या पड़ता है। 500 लोग तो देखिए मारे गए, 500 बेकसूर लोग मारे गए। यह हमला चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे आतंकवादियों ने किया हो या इसराइल ने किया हो, लेकिन जैसा मैं आपको दो दिन से बता रहा हूं, यह हमला ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इस हमले ने पूरी दुनिया की राय इसराइल के बारे में बदल कर रख दी और इसराइल के खिलाफ लगातार दुनिया भर में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और जो सहानुभूति इसराइल के लिए होनी चाहिए थी वो सहानुभूति धीरे 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 गायब होने लगी। आज दुनिया के ज्यादातर लोग ये मान बैठे हैं कि ये हमला इसराइल ने ही किया है और इसराइल पीड़ित नहीं है बल्कि असली पीड़ित है गाजा और असली पीड़ित है हमास। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा। वंदे भारत के बाद भारत को यह दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिलने वाली है, मिल गई है, जिसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इस रैपिड ट्रेन के फीचर से ज्यादा इसके नाम की चर्चा हो रही है। देखिए, हमारे देश में हर चीज को लेकर कितनी राजनीति होती है इससे आपको पता चलेगा। आज लोगों को इस ट्रेन के फीचर्स के बारे में पता करना चाहिए था, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हो रही है इस ट्रेन के नाम की, क्योंकि इसका नाम है नमो भारत, नमो ट्रेन इसका नाम रखा गया है। और विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि ये जो नमो नाम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से प्रेरित है। नमो मतलब नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने आज इस ट्रेन के नाम का विरोध किया है और कहा है कि नमो का फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी है, इसलिए देश की ट्रेन का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखना उचित नहीं है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस ट्रेन में नमो नाम का अर्थ सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में ईश्वर को नमस्कार करने के लिए या उसकी वंदना करने के लिए नमो नमः कहा जाता है। आपने ऐसे कई श्लोक और मंत्रोच्चार सुने होंगे जो नमो नमः से पूर्ण होते हैं। यह शब्द ईश्वर की वंदना और उसके नमस्कार से जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि रैपिड ट्रेन को जो नमो नाम दिया गया है उसका मतलब है नरेंद्र मोदी। यानी हमारे देश के नेताओं की यह खासियत बन गई है कि वो हर चीज में राजनीति ढूंढ लेते हैं और आज भी यही हो रहा है और लोगों को इस रैपिड ट्रेन से ज्यादा उसके नाम पर हो रही राजनीति सुनने को और देखने को मिल रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम इस रैपिड ट्रेन के सफर के लिए आपको बिल्कुल तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कि इस ट्रेन का जाल कैसे देश के अलग अलग राज्यों में फैलने वाला है। हम जानते हैं आप में से सारे लोग तो दिल्ली या उत्तर प्रदेश या मेरठ के रहने वाले नहीं हैं। सबसे ज्यादा खुश तो असल में दिल्ली और NCR के लोग होंगे क्योंकि उन्हें यह ट्रेन मिल जाएगी जिसमें वो 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे, वो भी बिना रुके। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप चाहे इस देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपको भी आज यही लगता होगा कि हमारे शहर में, हमारे इलाके में इस तरह की ट्रेन कब आएगी। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता क्या है। आपने मेट्रो में जरूर सफर किया होगा। आजकल देश में मेट्रो का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मेट्रो का रेल नेटवर्क आम रेल नेटवर्क से अलग होता है और इसकी अपनी एक रेल लाइन होती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और अपनी ट्रेन होती है, अपनी अलग टिकट होती है, अपना स्टेशन होता है। तो जैसे मेट्रो का अपना एक पूरा की पूरा एक अलग सिस्टम है, ठीक वैसे ही रैपिड ट्रेन का भी अपना एक अलग ट्रांजिट सिस्टम है। इसलिए आप इस रैपिड ट्रेन को मेट्रो ट्रेन का एक अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हैं, उसका एक
नया, आप कह लीजिए कि एक नया अपडेट है। मेट्रो और रैपिड ट्रेन में फर्क यह है कि मेट्रो की स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, जबकि रैपिड ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी ये मेट्रो से कहीं ज्यादा तेज भी होगी और उससे ज्यादा आधुनिक भी होगी, और ये एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करेगी। मेट्रो में आमतौर पर आपने देखा होगा एक ही शहर में आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन ये दो शहरों को आपस में जोड़ेगी। लेकिन झारखंड के रांची में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद आप भी नहीं कर सकते। रांची में जब एक लड़की ने अपने पिता को यह बताया कि उसके पति का व्यवहार उसके प्रति गलत है, उसके पति ने उसे धोखा दिया है और वो अपने ससुराल में परेशान है, तो इस लड़की के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ बैंड बाजा लेकर उसके ससुराल पहुंच गए और जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को बैंड बाजे के साथ विदा किया था, ठीक वैसे ही खुशी खुशी वैसे ही बैंड बाजे के साथ अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आए। आरोप है कि जिस लड़के से इस लड़की की शादी हुई वो पहले भी दो शादियां कर चुका था, लेकिन ये बात इस लड़की से छिपा कर रखी गई और शादी के बाद जब इस लड़की को पूरी बात पता चली तो उस लड़के ने, उसके पति ने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे एक कमरे में बंद करके टॉर्चर करने लगा। लेकिन इसके बाद जब ये बात इस लड़की के पिता को पता चली तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनकी बेटी के बारे में लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, या अगर वो वापस आ गई तो क्या होगा, या फिर उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अब जो है यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारा घर है और तुम यही एडजस्ट करने की कोशिश करो। आपके ट्रेनर ने कैसे इस डॉग के गले में रस्सी बांधकर उसे लोहे के एक गेट से लटका दिया और ये डॉग तड़प तड़प कर मर गया, देखिए आप। इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आगे की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। और ये तस्वीरें ऐसी विचलित करने वाली हैं कि हम आपको ये तस्वीरें, ये वीडियो बस यहीं तक दिखा पा रहे हैं। इस डॉग की उम्र 3 साल 7 महीने थी और यह पाकिस्तानी बुली नस्ल का एक डॉग था। इस नस्ल के डॉग्स शिकारी कुत्ते होते हैं और ये काफी आक्रामक माने जाते हैं। ये जो डॉग है ये लगभग कुछ मिनटों तक संघर्ष करता रहा जब इसे इसके गले में रस्सी डालकर लटका दिया गया। कुछ मिनटों तक इसने संघर्ष किया, 6-7 मिनट तक, और उसके बाद इसने अपना दम तोड़ दिया। लोग आमतौर पर इस तरह के डॉग्स को अपने फार्म हाउसेस पर रखते हैं, खेतों में रखते हैं या फिर खुले जंगलों में रखते हैं क्योंकि एक शिकारी कुत्ता है। इनके देखभाल पर भी बहुत पैसा खर्च होता है और भोपाल में जो व्यक्ति इस डॉग को लाया था वो भी इसकी देखभाल पर हर महीने हजारों रुपए खर्च करता था और इससे बेहद प्यार करता था। जिस ट्रेनर ने इस डॉग की हत्या की उसका कहना है कि यह डॉग काफी आक्रामक था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए वो इस पर सख्ती बरत रहा था, इसे सजा दे रहा था और इस दौरान उसकी मौत हो गई। सुल्तान की मौत के बाद डॉग ट्रेनर ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस उसके ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची तो पुलिस ने इस फुटेज को रिकवर कर लिया और वही फुटेज आज हम आपको दिखा रहे हैं और उसके ट्रेनिंग सेंटर के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अब देखिए, दुख की बात यह है कि पशुओं के प्रति क्रूरता के कानून जमानती और मामूली अपराध माने जाते हैं, इसलिए इन आरोपियों को बहुत आसानी से छोड़ दिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब सुल्तान का पोस्टमार्टम करने के लिए उसका दफनाया हुआ शव निकालने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है और हम चाहते हैं कि सुल्तान के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। जानवरों के प्रति इंसान के अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे में जागरूकता की जरूरत है, उससे भी ज्यादा जरूरत है सख्त कानूनों की, और जो लोग इन मासूम जानवरों पर अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने कानून सख्त करने पड़ेंगे और लोगों में जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए इस मामले में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल निभा सकता है। से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, वो मेरा एकदम छोटे भाई की तरह, बेटे की तरह था। उस पर करीबन मैं, अब तक वो 2 साल से मेरे साथ था, 2.5 साल से मैं उस पर करीबन 12-15 लाख रुपए तो खर्च कर चुका था। 9 अक्टूबर को अचानक से उसका कॉल आता है कि भैया सुल्तान को सांस नहीं आ रही है, कि उसको अटैक आ गया, ऐसा कुछ बोला। मुझे समझ नहीं आया, मैं घबरा गया एकदम से, क्योंकि उससे जितना मुझे लगाव था मुझे किसी से उतना लगाव नहीं है।
आज हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप सब सोशल मीडिया पर हैं, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे डॉग वीडियोस आप देखते रहते हैं, लोग अपने डॉग्स के साथ बहुत प्यारे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपको कहीं भी किसी जानवर पर अत्याचार की कोई घटना आपके सामने हो रही हो, किसी डॉग पर कोई अत्याचार कर रहा हो, उसका वीडियो जरूर बनाइए, उस आदमी की पहचान जरूर कीजिए और उस व्यक्ति को पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज कीजिए। इसलिए आप सबके हाथ में एक एक कैमरा तो होता ही है, आज के बाद आप अपनी जो रील्स बनाते हैं, अपने आप को हीरो दिखाने के लिए जो रील्स बनाते हैं, कोई गाड़ी की छत पर खड़ा हुआ है, कोई ट्रेन की छत पर खड़ा हुआ है, कोई ऊपर से नीचे कूद रहा है, कोई बाइक पर स्टंट कर रहा है, थोड़े दिन ये सब रोक कर इन बेजुबान जानवरों के लिए एक मुहिम चलाइए। और अगर आपको लगता है कि कहीं इन पर अत्याचार हो रहा है, ये दुख में है, ये कष्ट में है, इन्हें कोई मदद की आवश्यकता है, तो उसकी तस्वीर निकालिए, उसका वीडियो बनाइए।